करना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूँ गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। और जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सियासी घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, जो सियासी हालात बने हुए हैं, उसको लेकर अब लगातार बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर आपने पीडीपी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की तो सलाहुद्दीन और यासीन मलिक जैसे लोग पैदा होंगे। साल 1987 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था जो हालात उस वक्त थे वो हालात इस वक्त भी जम्मू कश्मीर में सामने आ सकते हैं। उसके बाद से फिर बीजेपी ने उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ उसके बाद लगातार बीजेपी नेताओं के बयान सामने आए। राम माधव ने कहा कि महबूबा मुफ्ती पहले खुद की पार्टी संभालना सीख लें और फिर नसीहत दिया करें। इसके अलावा और भी जो नेता हैं उन्होंने महबूबा मुफ्ती के बयान को कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती के बयान की आलोचना की थी। और सिर्फ इसमें सिर्फ बीजेपी के नेता शामिल नहीं थे, इसमें शामिल थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, इसके अलावा और भी नेता हैं जिन्होंने महबूबा मुफ्ती के बयान की खिलाफ की थी। बीजेपी तो करेगी, क्योंकि बीजेपी को तो उन्होंने धमकी दी थी, चेतावनी दी थी, लेकिन अब लगातार ये जो धमकी का जो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जो एक आक्रोश बना हुआ है पूरे देश में, और कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान जो जिस तरह का बयान दिया उससे कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में उनके खिलाफ माहौल बना हुआ है। भले ही वो जम्मू कश्मीर की सियासत करती हो, भले ही जम्मू कश्मीर से ही उनकी सियासत का उदय हुआ हो और शायद वहीं पर उनका अंत भी हो जाएगा, लेकिन उसका असर जो था, उनके बयान का असर पूरे देश की आवाम पर पड़ा है। और किससे कहीं ना कहीं उनकी जो छवि वैसे ही पहले ही से कोई अच्छी नहीं थी छवि हिंदुस्तान की जनता के बीच में, और इस बयान के बाद से उनकी छवि और भी ज्यादा खराब हो गई है। फिलहाल इस छवि पर अब एक और नेता है बीजेपी के और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि महबूबा मुफ्ती पर केस दर्ज होना चाहिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन है ये। हरियाणा के अंबाला में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्री हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रचारक वीरेश सांडिल ने, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इनका बीजेपी से भी खासा कनेक्शन है, और वीरेश सांडिल ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने के लिए अंबाला की सत्र न्यायालय में आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई है। और कोर्ट में दिए गए शिकायत पत्र में कहा गया है कि 14 जुलाई को दिए बयान में पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की साजिश हुई तो कश्मीर में आतंकी सलाहुद्दीन पैदा होगा। जिस बयान से महबूबा मुफ्ती ने आतंकवाद को पनाह देते हुए अन्य पार्टियों और देशवासियों को डराने की कोशिश की है। और जो सुप्रीमो सांडिल हैं उन्होंने अदालत में महबूबा के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने के लिए वकील सुमित शर्मा के माध्यम से याचिका दायर करवा दी है और अदालत ने इस याचिका को मंजूर कर लिया है। और आज इस मामले में सुनवाई होगी जेल में, लेकिन अभी तक माफी चाहूंगी कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी, लेकिन अभी जब तक मैं प्रोग्राम कर रही हूँ इस पर कोई बड़ी अपडेट नहीं है जो उनके महबूबा मुफ्ती के खिलाफ याचिका दायर की गई है। लेकिन जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है हम आपको इस अपडेट से भी रूबरू कराएंगे कि आखिर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जो याचिका दायर की गई इस पर कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। शांडिल ने याचिका में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर आरोप लगाया है कि वो जम्मू कश्मीर का माहौल खराब कर रही है, आतंकवादियों को संरक्षण देकर महबूबा मुफ्ती कश्मीर का माहौल खराब करना चाहती है, जिसे एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया और श्री हिंदू तख्त बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और शांडिल ने यह भी कहा है कि दायर याचिका में कि महबूबा मुफ्ती के राष्ट्र विरोधी बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज कर उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए, जिससे कोई दूसरा राजनेता भविष्य में ऐसा कोई बयान देने की हिमाकत ना करे। और उन्होंने मुफ्ती के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है और महबूबा मुफ्ती जानबूझकर ऐसा बयान देकर कश्मीर का माहौल खराब करने की साजिश हर बार रचती हैं। तो ये है हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रचारक
विनेश थांडल ने और इनका बीजेपी से भी खासा कनेक्शन कहा जाता है, इसलिए इन्हें कभी कभी बीजेपी नेता भी बोल दिया जाता है। लेकिन फिलहाल ये इनकी जो ये जहाँ की अगुवाई करते हैं वो अगुवाई है श्री हिंदू तख्त के, ये उसके राष्ट्रीय प्रचारक हैं। और इनका भी महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जमकर गुस्सा फूटा है और इन्होंने कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया है और उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करवाने की बात कही है। और इन्होंने याचिका दायर कर दी है, यानी कि आज इस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। आप देखते हैं याचिका को लेकर कोर्ट क्या कुछ कहती है, और जैसे कोई बात बड़ी आती है सामने आती है अपडेट, तो हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। और महबूबा मुफ्ती को इस बात का इल्म होगा कि वो जिस तरह से बयान दे रही हैं, कहीं ना कहीं उससे उनकी आलोचना होनी बनती भी है। उन्हें पता था कि वो जो बयान दे रही हैं मीडिया के सामने उस पर काफ़ी हो हल्ला होगा, बवाल भी होगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये बयान दिया। इसका मतलब आप समझते, इसका मतलब ये है कि वो कश्मीर की आवाम को सिर्फ अपना मानती हैं, जहाँ तक उनके बयान के मायने यही निकाले जा सकते हैं, क्योंकि वो कश्मीर की सियासत करती हैं, कश्मीर की सियासत में ही वो वहाँ पली हैं बड़ी हैं, तो और उनके पास सियासी कार्य कुशलता की कमी नहीं है। वरिष्ठ नेता कही जाती हैं, अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद का एक नक्शे कदम पर चल के वो एक बेहतरीन राजनेता बनने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन शायद वो पिता से अपनी वो चीज़ें नहीं ले पाई हैं जो उनके पिता के अंदर थी, जो सहानुभूति और जो एक धैर्य की क्षमता थी उनके पिता के अंदर, शायद वो महबूबा मुफ्ती के अंदर नहीं है। तभी पीडीपी टूटने की कगार पर क्या आई कि तिलमिला गई महबूबा मुफ्ती और उन्होंने भाजपा को यहाँ पर धमकी दे डाली। भाजपा को धमकी देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी कार्यकुशलता में कमी है, वो अपनी पार्टी को हैंडल नहीं कर पा रही हैं, शायद इस वजह से इतनी सारी दिक्कतें हुई। और जाहिर सी बात, और जैसे ही उन्होंने बीजेपी को चेतावनी दी उसके बाद ही उनके जो पार्टी के नेता हैं अहमद मजीद पादरू, उन्होंने खुद कह दिया कि 18 विधायक जो हैं पीडीपी से अलग होंगे, और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी से हम बीजेपी को आमंत्रित करते हैं, बीजेपी चाहे तो हमारे साथ मिलकर सरकार बना सकती है, हम गठबंधन में सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर कोई भी बड़ा बयान सामने नहीं आया, क्या पता अंदर खेमे में कुछ चल रहा हो और इसकी जानकारी भी मीडिया को नहीं लगी है। लेकिन हाँ, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि महबूबा मुफ्ती लाख कोशिश कर लें, लेकिन अब उनके बागी विधायक उनके साथ नहीं आने वाले हैं। हालांकि संगठन लेवल पर बदलाव करने की बात कही है महबूबा मुफ्ती ने, इसके साथ ही उन्होंने अपने एक नेता को भी बाहर का रास्ता दिखाया था। इसके अलावा एक और खबर आई थी कि महबूबा मुफ्ती जो है अब एक्शन मोड में आ सकती हैं और वो जल्द ही कई नेताओं को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा सकती हैं। और जैसे कि बहुत बड़े बड़े नेता, उनके जो करीबी नेता नईम अख्तर, वो तक तो पार्टी में वो उनकी बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके क्या इशारे, क्या इसके मायने निकाले जा रहे हैं, खुद ही महबूबा मुफ्ती भी समझ पा रही हूँ कि उनके खिलाफ किस तरह से माहौल बन रहा है उनकी ही पार्टी में। और जिस तरह से गठबंधन उन्होंने तोड़ा है, जब उनको गठबंधन करने के लिए उनके पार्टी नेताओं ने मना किया था तब तो उन्होंने किसी की बात मानी नहीं, और बीजेपी की वो काफ़ी वाहवाही करती थी गठबंधन में रहने के बाद, लेकिन जैसे गठबंधन टूटा तो वही बीजेपी उनके लिए बुरी बन गई। खैर, ये सियासत है और सियासत में ऐसे रंग तो देखने को मिलते ही रहते हैं। लेकिन हाँ, अब हम आपको सुनवाते हैं पीडीपी के कुछ नेताओं के बयान जो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती के खिलाफ थे, और उन्हें कहा था कि महबूबा मुफ्ती उससे सिर्फ से उनकी जो पार्टी है परिवारवाद के चारों इर्द गिर्द घूमती है और उनके ही पूरे घर वालों का ही एक वर्चस्व है पीडीपी पे, और बाकी कार्यकर्ता एक साइड हो गए हैं और सिर्फ फैमिली का वर्चस्व है। इससे कहीं ना कहीं मैं उनके साथ अब आने से सहमत नहीं हूँ और मैं महबूबा मुफ्ती की कार्यशैली से खुश नहीं हूँ, ये कहा था इमरान रजा अंसारी ने। मैं आपको सुनवाती हूँ और कुछ क्या कहा था इमरान रजा अंसारी ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ, सुनिए जरा। कुछ अरसे से मैं उनको कहता रहा हूँ कि हमारा दम घुट रहा है इस पार्टी में रहकर, क्योंकि इस पार्टी को कुछ अफराद ने हाईजैक किया है, और वही वजह है जिन अफराद ने इस पार्टी को हाईजैक किया उन्हीं अफरादों की वजह से आज जो आपको सरकार छोड़ना पड़ी, महबूबा जी को सरकार छोड़ना पड़ी, वो उसी क्योंकि जो मुफ्ती साहब जिन्होंने ये ख्वाब बनाया था कि मैं एक पार्टी बनाऊंगा, उन्होंने कभी अपने रिश्तेदारों को सर पर नहीं बिठाया। लेकिन जब से महबूबा जी आई हैं, या तो मामा जी देखते हैं या ताया जी देखते हैं या कोई भाई साहब देखते हैं या बाकी, ये तो एक मैं वाकन कहूँ, मुझे बहुत ही दुख होता है ये कहने से कि हमने जिस अपने खून से इस पार्टी को बनाया,
لیکن اس پارٹی کو برباد کرنے والے وہ جو خاندانی لوگ ہیں جنہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ خاندانی ٹکسال ہے, انہوں نے اس پارٹی کو برباد کیا اور پورے کشمیر کو. سنا آپ نے عمران رضا انصاری کا بیان, کس طرح سے بھڑکے محبوبہ مفتی پر اور کہا کہ پی ڈی پی جو ہے وہ پریوار واد کی راجنیتی میں الجھ گئی ہے اور جن نیتاؤں نے خون پسینے سے اس پارٹی کو بنایا ہے وہ سبھی اپ سائڈ ہو گئے ہیں. صرف عمران رضا انصاری ہی نہیں, یہاں پہ میں آپ کو سناتی ہوں احمد مجید پادرو کا بیان جنہوں نے محبوبہ مفتی کے خلاف کچھ اس طرح سے تلخیاں ظاہر کی ہیں. سنیے ذرا. میں یہ بتا دوں گا, اگر انصاری صاحب نے کہا ہے کہ پی ڈی پی ہم سے نہیں پوچھتے ہیں تو اس نے ٹھیک کہا ہے, مطلب اس چیز سے میں اس کو سمرتھن کرتا ہوں, اس چیز سے میں اس سے دور نہیں ہوں. جب میں نے بات کہی ہے کہ تین سال میں ویسے تھے ایم ایل اے جب مجھے نہیں پوچھا گیا, تین سال کے اس دور میں میرے لوگوں سے آپ پوچھ لیجیے, تین سال کے دور میں میرے لوگوں سے نہیں پوچھا ہے تو اس لیے میرے لوگ بھی کھوا ہے, جب میرے لوگ کھوا ہے تو میں کھوا ہوں, یہ سیدھی سی بات ہے. تو اگر اسی طریقے سے اپنے انصاری صاحب نے کہا ہوگا, مطلب وہ کیبنٹ منسٹر رہے ہیں جی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کون کیبنٹ منسٹر رہا ہے, کون ایم او ایس رہا ہے, کون منسٹر آف اسٹیٹ رہا ہے, کیا ان کو منسٹری کی ناراضگی, ہمیں کسی کو منسٹری کی ناراضگی نہیں ہے, مجھے اپنی منسٹری کی کوئی ناراضگی نہیں ہے. کاش ایک بار اگر میرے لوگوں کو اس جماعت نے پوچھا ہوتا, اگر میرے لوگوں کو اس جماعت نے پوچھا ہوتا شاید آج میں یہ بات نہیں کر لیتا, مجھے منسٹری کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے اس وقت بھی منسٹری ان کے اپنے لوگوں کے قدموں کے نیچے چھوڑا ہے, میں نے سوچا کہ میرے لوگ جب میرے ساتھ ہوں گے میری منسٹری وہی ہے. تو یہ تو بات ہو گئی پی ڈی پی کے نیتاؤں کی بغاوت کی, جن میں عمران رضا انصاری اور احمد مجید پادرو کا نام سامنے آ رہا ہے. لیکن اب میں سنواتی ہوں آپ کو محبوبہ مفتی کے سمرتھکوں کا بیان, جب محبوبہ مفتی نے بھی بیتے دنوں بیان دیا تھا بی جے پی کو لے کر اور صلاح الدین اور یاسین ملک کا ذکر کیا تھا, اسی دن ان کے سمرتھکوں کا بھی بیان سامنے آیا تھا. سنیے کس طرح سے انہوں نے کہا کہ وہ میڈم یعنی کہ محبوبہ مفتی کی باتوں سے پورا اتفاق رکھتے ہیں اور انہوں نے محبوبہ مفتی کو بالکل جائز ٹھہرایا ہے. سنیے کیا کہا ہے ان کی پارٹی کے انیہ نیتاؤں نے. اپنی وضاحت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں کا کیڈر اگر ضلع کے علاوہ محبوبہ جی کے ساتھ کوئی نہیں رہے گا ہم تب بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, یہاں کے جو لوگ ہیں, کیونکہ یہاں پہ ضلع رجوری کے لیے بالخصوص اور رجوری پونچھ کے لیے اس پارٹی نے بہت قربانیاں دی ہیں. مفتی صاحب اس پر ریجن کی اگر کہیں شناخت پوری نیشنل لیول پہ ہوئی ہے تو وہ مفتی صاحب کی دین ہے اور محبوبہ جی کی دین ہے. اس لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم پارٹی کے ساتھ ہیں, پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے. تو سنا آپ نے کہ کس طرح سے یہاں پر محبوبہ مفتی کے خلاف باغی نیتا اور ان کے سمرتھک اپنی بھاشا بول رہے ہیں. حالانکہ بھلے ہی محبوبہ مفتی کے خلاف ماحول بنا ہوا ہو پی ڈی پی میں, لیکن ان کے سمرتھک ان کے ساتھ ہی ہیں. اور میڈم آپ نے سنا بائٹ میں کس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈم کے ساتھ ہم جانا چاہیں گے, اور میڈم نے بالکل صحیح کہا, میڈم نے کچھ بھی غلط نہیں کہا. اس کے ساتھ ہی پی ایم مودی کو لے کر بھی سمرتھکوں نے کہیں غصہ ظاہر کیا تھا کہ جس طرح سے پی ایم مودی نے جموں کشمیر کو لے کر باتیں کہی تھی انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا ہے. یہ بھی اس آخری بیان سامنے آئے تھے محبوبہ مفتی کے بیان کے بعد پی ڈی پی کے کچھ نیتاؤں کے, اور باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے میڈیا کو اس بات کی جانکاری دی گئی تھی کہ کس طرح سے وہ محبوبہ مفتی کے ساتھ ہیں اور انہیں محبوبہ مفتی کے ہونے سے کوئی بھی دقت نہیں ہے. اب میں نے آپ کو یہاں پر باغی ودھایک اور سمرتھکوں دونوں کی ہی یہاں پہ بائٹ سنائی ہے, یعنی کہ یہاں پر محبوبہ مفتی کا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن 18 ودھایک اگر الگ ہوتے ہیں پی ڈی پی سے تو یہ ان کے لیے بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے. اور ساتھ ہی جس طرح سے بیان کے بعد ان کے اوپر آفر ٹوٹتی جا رہی, لگاتار ان کی آلوچنا کی جا رہی ہے, اور وہیں پر ہندو تخت کے راشٹریہ پرچارک ہیں اور انہوں نے وریش تانڈل ہے, انہوں نے جو کیس درج کروا دیا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے لیے آفت کھڑی کر سکتا ہے. بہت مشکل ہے محبوبہ مفتی کے لیے, اور ان کا یہ بیان بھلے ہی انہیں جان بوجھ کے دیا ہے یا ان سے غلطی سے نکل گیا ہے یا جو بھی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے بہت بڑی آفت کھڑی کر سکتا ہے. اور بھلے ہی محبوبہ مفتی یہ سوچ رہی ہوں کہ جموں کشمیر کی عوام ان کو ہی چنے گی, ان کو چاہتی ہے, کیونکہ جموں کشمیر کے لیے الگ سے دھارا بنی ہے, جموں کشمیر ایک سنجیدہ راجیہ ہے, جموں کشمیر کے لیے تو ہندوستان کو جھکنا ہی پڑے گا. بہت سی چیزیں ہیں, محبوبہ مفتی شاید اس غفلت میں چور ہے, کیا پتا وہاں کی عوام جو ہو وہ کچھ اور سوچتی ہو, اور ایسے کچھ سیاستدار ہیں جو ان کی سوچ میں کہیں نہ کہیں زہر ڈال کے ہندوستان کے خلاف انہیں بھڑکانے کا کام کرتے ہیں, اور شاید یہ بڑی وجہ ہو سکتی ہے. فی الحال یہ تھی بڑی اپڈیٹ جموں کشمیر کی سیاست کو لے کر, کل پھر سے آپ کے سامنے جموں کشمیر سے جڑی بڑی خبر لے کر حاضر ہوں گے, لیکن تب تک کے لیے نمسکار.
स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।